हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मूवी केयर सॉल्यूशंस। जैसे कि फ्रेंड्स हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सॉल्यूशन लेकर आते हैं, ऐसे ही मेरे पास आज एक हैंडसेट है जो कि पोको M2, और नज़दीक से बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी काम किया हुआ है, और अभी इसमें लाइट और ग्राफिक और लाइट दोनों नहीं आ रहे हैं, तो इसको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताएंगे और कोशिश करेंगे रिपेयर करने की। और इसमें हम डायग्राम का भी यूज़ करेंगे, और वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप एक वीडियो अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या सप्लाई आपको चेक करना है। हर मोबाइल में आपको अलग अलग पिनों पे यही वाला सप्लाई मिलेगा, लेकिन आपको फाइंड आउट करना होता है कहाँ पे कौन सा वोल्टेज आता है, कहाँ पे कब कौन सा सिग्नल आता है। तो इस मोबाइल में काफ़ी सारा काम किया हुआ है, तो इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी ग्राफिक और लाइट के प्रॉब्लम के सेट आते हैं तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं चार्जर लगाकर बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया है, तो यहाँ पे कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग का जो है आपका ये पिन वगैरह कभी डैमेज होता है तो यहाँ पे एम्पियर कोई कंज्यूम नहीं करता है। तो अभी हम यहाँ पर एक बार पावर की प्रेस करेंगे, ये देख सकते हैं। पावर की प्रेस करने के बाद ये हैंडसेट मेरा वाइब्रेट कर गया है, बट डिस्प्ले पे यहाँ पर कोई भी लोगो वगैरह शो नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करना है। वाइब्रेट तो हो गया है हैंडसेट, और चार्जर लगाने पर यहाँ पर कंज्यूम भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर चार्जिंग में कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो आप समझेंगे कि हैंडसेट मेरा डेड तो नहीं है। तो चार्जिंग पिन सब PCB नीचे का फ्लक्स केबल डैमेज होता है तभी भी ये कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करता है चार्जिंग सिस्टमेटिक ये वाले 6 पिन वाले पोर्ट में। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ों की। और ये वाला हैंडसेट DC से भी ऑन नहीं होता है, अगर आप DC से ऑन करेंगे तो ये कुछ एम्पियर कंज्यूम करेगा, और 900 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर ऐसा कंज्यूम करके वो ड्रॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम PCB का मैं एक बार आपको अच्छे से पूरा व्यू बताता हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। बैटरी यहाँ पर निकाल लेते हैं सबसे पहले, और ये इसका डिस्प्ले का कनेक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, और सब PCB भी बाहर निकाल लेते हैं, और मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे सबसे पहले, और एक बार PCB को हम अच्छे से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेप वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ से एक जम्पर भी आ रहा है, और जो कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कनेक्टर के पास इस तरह का कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी हालत है, कौन से कंपोनेंट क्या प्रॉब्लम है क्या है नहीं मालूम हमें, बट हम इसमें पहले कूल टेस्टिंग करेंगे। और ये देख सकते हैं कुछ कॉइल्स वगैरह भी हिले हुए हैं यहाँ पर, और CPU के साइड देखेंगे इसका जो लाइट IC होता है यहाँ पे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके लाइट सेक्शन में पूरा पेस्ट डालकर यहाँ से एनोड का जो जम्पर है लाइन, यहाँ से जम्पर दिया गया है इस कैपेसिटर से डायरेक्ट, और यहाँ पर एक यहाँ पर रंगा शॉर्ट किया हुआ है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे डिस्प्ले कनेक्टर की, और डिस्प्ले कनेक्टर की कूल टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को रख लेंगे बीप बजर रेंज में। चलिए यहाँ पे इसका मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन यहाँ पे ओपन किया है, तो लाइट की जो सप्लाई हैं ये देख सकते हैं, ये इसका जो चार्जिंग AC है, और ये VPS कॉइल है, और CABC CPU से कंट्रोल होता है। ये MediaTek चिपसेट है, शायद आपको पता है या आपके टीचर ने बताया, नहीं पता नहीं, बट इस हैंडसेट में CABC जो है IC तक यहाँ पर जो है CPU से कंट्रोल होती है, कंटेंट अडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल वाली लाइन, और इसमें D8 12 वोल्ट का लाइट IC है, और ये इसका बूस्ट कॉइल जो कि 5 से 10 माइक्रो हेनरी का होता है, और सीरीज में एक छोटा सा कॉइल है, और यहाँ पे एक छोटा सा डायोड होता है रेक्टिफायर डायोड, और यहाँ पे हमारा लोड कैप, यहाँ से उन्होंने जंपर कर दिया है हमारी एनोड लाइन पे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम GR चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पिन हमारी एनोड लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 2 कैथोड इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, 3 और 4 पे हमको वैल्यू मिलनी चाहिए। फर्स्ट एनोड पर देखते हैं GR, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नंबर हमारी CABC PWM की लाइन होती है, पल्स विद मॉड्यूल। तो ये सारे ट्रैक हम चेक करेंगे। तो कूल टेस्टिंग में हम
सबसे पहला लाइन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जीआर आ रहा है 330 का, मतलब हमारी एनोड लाइन सही है। सेकंड पिन एनसी होती है और थर्ड पिन जो है कैथोड 1 640 और कैथोड 2 640, ये भी सही है। उसके बाद छठी पिन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन, तो वापस से चेक करके बताना चाहूंगा, डायग्राम के थ्रू हम चेक करेंगे। फर्स्ट पिन जो कि एनोड पिन हमारी बिल्कुल सही है, 330 के आसपास वैल्यू आ रहा है, और तीन नंबर जो कि कैथोड 1 है 640 ओके है, चार नंबर भी कैथोड 2 है ये भी ओके है, 10 नंबर पर हमारी PWM लाइन है 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर पे कोई जीआर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो आता है जीआर आपको इस टच पॉइंट के थ्रू आता है, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये टच पॉइंट से होकर के यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं जीआर, यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई जीआर नहीं है, और ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक ओके है, मतलब हमारा ट्रैक ओके है, और ये ऊपर का जो है ये ग्राउंड होता है, नीचे वाला पिन हमारा PWM का है, और ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक ओके है, कोई जी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और मिपी के जो कॉइल्स है यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिपी के कॉइल है, इसका जीआर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये सारा, तो PWM लाइन में हमको एक फॉल्ट मिला, एक बार कॉइल भी देख लेते हैं लगे हाथ सारा चीज सही है, जो CPU से आती है जीआर ये सारी हमारी ट्रैकें सही है, ये VSP और ये VSN VSN जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी VSN की लाइन में भी GR हमको फॉरवर्ड बायस में मिलता है और VSP पे रिवर्स बायस में, और ये 1.8 की लाइन होती है, ये भी हमारी लाइन सही है, मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये मिली, एक PWM लाइन हमको यहाँ पर मिसिंग है। अब PWM लाइन जो आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें ये CPU से कंट्रोल होता है, और CPU से कंट्रोल होकर के यहाँ पर ये जो UF आपकी इसकी UMC के ऊपर अगर आप देखेंगे लाइट सेक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU का GR आता है, और यहाँ से इस साइड से होकर के CABC की ट्रैक इधर आती है, और ये यहाँ से लाइट AC में चले जाती है, और यहाँ से अगर कंट्रोल नहीं होगी तो हम यहाँ से इसको दोनों को आपस में जोड़ कर भी इस ट्रैक को बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम यहीं पे चेक करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये सारा, ये देख सकते हैं ये लाइट सेक्शन थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, पेपड़ी काफी सारा लगा हुआ है यहाँ पर, सॉरी पेस्ट काफी सारा लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये जो ट्रैक है हमारी PWM की लाइन है, यहाँ पे कोई भी GR नहीं मिल रहा है, और अगर इस साइड में देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से IC के साइड तो कनेक्टेड है, और ये CPU के साइड भी वही GR आ रहा है, और ये लाइन नीचे से CPU में जाती है, तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम इस लाइन को आपस में जोड़ देंगे थोड़ा सा पेस्ट लगाकर। और एक चीज यहाँ पे एक और फॉल्ट है, यहाँ पे जो आता है हमारा एक रेक्टिफायर डायोड लगता है, ये भी यहाँ से मिसिंग है, तो सबसे पहले हम PWM लाइन को करेक्ट करते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जम्पर कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं PWM को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और अब एक बार हम यहाँ पर पीछे जो हमारा 10 नंबर पिन था
डायग्राम में, यहाँ से 5 और 10 नंबर पिन को चेक कर लेंगे एक बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर पे अभी जीआर हमारा आ चुका है, और ये जीआर यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे भी मिलेगा आपको। तो ये हमारी लाइन हमारी अभी सही हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ तक कनेक्ट होता है, तो 10 नंबर में हमारा जीआर आ रहा है। एक बार हम डायोड चेंज करने से पहले, इसमें आपने देखा पीडब्ल्यू लाइन एक तो मिसिंग है, यहाँ पे पीडब्ल्यू हमने जम्पर कर दिया है, अब हम रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे मिसिंग है। उससे पहले मैं आपको एक बार पीसीबी लगा करके बताना चाहूंगा क्या कोई ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर की प्रेस करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं एक बार एमआई का लोगो आकर यहाँ पर चला गया। एक बार फिर से साफ करके बताना चाहूंगा आपको, तो पीडब्ल्यूएम लाइन अगर मिसिंग होती है फ्रेंड्स आपकी, तो लोगो वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पर पावर की प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं लोगो आकर गया है। अभी फिर से एक बार पावर की प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं तो लोगो आकर जा रहा है, बट यहाँ पर लाइट इसमें नहीं जल रही है। तो जैसे कि आपने देखा पीडब्ल्यूएम मिसिंग था, तो लाइट ग्राफिक दोनों नहीं आ रहे थे। अब पीडब्ल्यूएम हमने बना दिया है, अब हम जो रेक्टिफायर डायोड है उसमें बहुत छोटा सा डायोड यूज होता है लेटेस्ट मॉडल्स में, और टेक्नीशियन नॉर्मली इसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये रेक्टिफायर डायोड है, और उतने साइज का उनको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, रेक्टिफायर डायोड जो है आपका बिल्कुल छोटा सा लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा डायोड लगा है। और यहाँ पर हमारे पीसीबी में अगर बात करूँ कहाँ पे लगा है, यहाँ पे इन्होंने इसको निकाल करके शॉर्ट कर दिया है। तो अब हम उसे भी रिप्लेस करेंगे, चेंज कर मतलब डायोड डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर डायोड ही नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने इसको निकाल करके शॉर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हम हटाएंगे, और एक डायोड यहाँ पर दूसरा लगाएंगे। तो दूसरा डायोड लगाने के लिए हम एक स्क्रैप बोर्ड ले लेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पे मेरे पास एक डायोड है लाइट सेक्शन का, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, और ये काफ़ी बड़ा डायोड है। अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो बहुत ही छोटे आते हैं, काफ़ी डिजिटल टाइप के, और ये लेग वाला डायोड है। इसको कैसे सेट करना है ये भी बताऊँगा आपको, क्योंकि छोटा डायोड नहीं होता है तो आप लोग पीसीबी वापस दे देते हैं या कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं। तो अब हम इसमें इस डायोड को सेट करेंगे, तो कैसे सेट करना है अच्छे से देख लीजिए, अगर आपके पास आए तो आप भी इसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे छोटा सा डायोड लगता है, बट मैं यहाँ पर ये लैग वाला डायोड लगा रहा हूँ। तो फ्लक्स ऑलरेडी बहुत सारा लगा हुआ है, तो वहाँ पर फ्लक्स का ज़रूरत नहीं है। तो एक साइड हम क्या करेंगे, इसको इसके एनोड लाइन को यहाँ पर हमारे स्विचिंग वाली पिन के साथ कॉइल के साथ जोड़ देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अब ये डायोड का जो कैथोड का सिरा है, इसको हम ये हमारा जो लोड कैब है इसके साथ एक जम्पर करेंगे। जम्पर करने के लिए छोटा सा आपको जम्पर वायर लगेगा, और अगर ये वर्क कर जाता है तो आपको यूवी ग्लू यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, डायोड के कैथोड सिरे से हमारे लोड कैप पे मैंने जम्पर कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, और एक बार हम कूल टेस्टिंग कर लेंगे कहीं ग्राउंड के साथ ये टच तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पर देख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 500 के आसपास जीआर आ रहा है, और लोड कैप हमारा डायोड के साथ कनेक्टेड है,
और इस साइड में डायोड का जो सिरा है, ये स्विचिंग वाला सिरा, यहाँ पे भी जीआर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जम्पर हमने कर दिया है और एक बार चेक करेंगे अभी पीसीबी में लगा करके। यूएसबी डायरेक्ट जम्पर मानना होगा तभी यूएसबी काम करेगी इसमें। तो अभी हम ऐसा ही ऑन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाइट और ग्राफिक दोनों इसमें आ चुके हैं। तो काफ़ी सारे फॉल्ट ऐसे आपके पास आएंगे मार्केट से काम किया हुआ और उनको प्रॉपर नॉलेज ना होता है तब ये इस तरह का काम करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तभी आप इजीली इसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा चीज़ सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे इंस्टीट्यूट को। और अभी 15 दिसंबर से हमारा नेक्स्ट बैच है, उसमें आप आ सकते हैं। और अभी ये पूरा मोबाइल ऑन भी हो जाएगा, हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर छोटे डायोड को मैंने रिप्लेस करके बड़ा डायोड मैंने डाला है जो कि लैग वाला है, उसको सेट किया है। अब इसको हम यूवी ग्लू लगा देंगे ताकि कहीं और ग्राउंड के साथ वो शॉर्ट ना हो और जम्पर ना निकले। तो कनेक्टर के पास एक एनोड लाइन की जम्पर किया हुआ है ऑलरेडी, उसे भी यूवी ग्लू लगा देंगे। और पीडब्ल्यूएम इस मॉडल में सीपीयू से कंट्रोल होता है और आईसी में जाती है लाइन। और यहाँ पर हमने कनेक्टर पे पीडब्ल्यूएम बाईपास कर दिया है सीपीयू वाली लाइन को। और यहाँ पर जो डायोड यहाँ से मिसिंग था, छोटा डायोड होता है, उसको निकाल करके यहाँ पर हमने रेगुलर जो डायोड होता है जो पुराने मॉडल्स में इजीली मिल जाएगा आपको, रेक्टिफायर डायोड इसमें डालना है। इसमें टीवीएस या फिर आपका जीना डायोड नहीं डालना है। अगर आपको डीप लेवल में नॉलेज लेनी है तो ऑनलाइन क्लास भी है मेरा 5 दिसंबर से। अगर आपको आईसी का काम आता है, देख सकते हैं सेकंड लोगो आ चुका है, आईसी का काम आता है आपको तो आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन कोर्स लेकर के आप सीख सकते हैं, मैं पूरा उसमें आपको एप्लीकेशन के थ्रू देता हूं। अगर आकर के मेरे पास ऑफलाइन सीखना है, हैंड स्किल का काम सीखना है, सीपीयू लेवल ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए हमारे ऐसे ही वीडियोस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार बताना चाहूँगा, हैंडसेट हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ग्राफिक लाइट हमारी आ चुकी है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।